आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज का विषय है परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप कुछ भी नहीं हो। वचन देखेंगे हम याकूब के पत्र 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों आज व्हाट्सएप फेसबुक नेट के माध्यम से परमेश्वर के वचनों का ज्ञान बहुतायत से पा सकते हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति आप तब तक नहीं पा सकते जब तक आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में एक व्यक्तिगत संबंध न बनाओ। एक सत्य आप जान लीजिए, ज्ञान आपको अनंत जीवन न देगा, मसीह ग्रुप आपको अनंत जीवन न देगा, व्हाट्सएप आपको अनंत जीवन न देगा, फेसबुक आपको अनंत जीवन न देगा, नेट आपको अनंत जीवन न देगा, बड़े से बड़ा प्रचारक चाहकर भी आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। दोस्तों शैतान कभी भी आपको परमेश्वर के निकट नहीं आने देना चाहता, इसलिए कि वो आपको सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाए रहता है। दोस्तों ऐसे बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परमेश्वर के वचनों का ज्ञान पाना चाहा, परंतु उन्होंने ज्ञान पाने की जगह अपने लिए उस ग्रुप से एक सांसारिक रिश्ता पा लिया है और पाप में फंस कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। दोस्तों शैतान को हजारों साल का अनुभव है, वह आपकी कमजोरी को अच्छे से जानता है और वही वार करता है जहां आप कमजोर होते हैं। दोस्तों दुष्ट आत्मा डरती उसी से है जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और परमेश्वर की उपस्थिति तब ही होती है जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते हैं और सांसारिक वस्तुओं को त्याग करते हैं और अपना मन सांसारिक वस्तुओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर के निकट आइए। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।